again. So let's get हेलो फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरे पास आई हुई है दो काफी इंटरेस्टिंग स्मार्ट वॉच। तो यह है वियरपाई HW37। प्राइसिंग की बात करिए तो $35 के आसपास इसकी प्राइसिंग है, एंड अगर आप इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 2500-2600 रुपए के आसपास इसकी प्राइसिंग होती है। तो ये इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं है इसका मुझे अभी कोई भी आइडिया नहीं है। हमें वियरपाई ने सेंड करी है डायरेक्टली चाइना से। तो अगर आपने परचेस करना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनली इन्हें परचेस कर सकते हैं। इसका परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो एप्पल सीरीज 7 तो काफी धमाकेदार वॉच है, बट ये क्लोन इतने धमाकेदार है या नहीं है इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले इनकी बॉक्स पैकेजिंग हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ये वॉच दो कलर में है, ग्रे एंड ब्लैक। बॉक्स पैकेजिंग देखी जाए तो कहीं भी वियरपाई की ब्रांडिंग नहीं दी गई है, वियरफिट HW37 यहाँ पे मेंशन किया गया है। पीछे के पार्ट में इसके स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं, जैसे सिलिकॉन स्ट्रैप इसमें दिया गया है, 5W 1A का चार्जर आपको यूज करना है इसको चार्ज करने के लिए, 200mAh की बैटरी इसमें दी गई है, ब्लूटूथ 5.2 का इसमें सपोर्ट है। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स हम कर लेते हैं। सबसे पहले ब्लैक वाली को हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे वियर फिट मेंशन किया गया है, एंड यहाँ पे है मेन स्मार्ट वॉच, ये इसका स्ट्रैप है, एंड ये है वॉच। बॉक्स में दी गई है एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, एंड इसकी यूजर मैनुअल जो चाइनीज एंड इंग्लिश में है। तो अब ग्रे वाली को हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये रही दोनों वॉच, एक है ब्लैक कलर में एंड एक सिल्वर या ग्रे आप इसे बोल सकते हैं। तो दोनों को अनरैप हम कर लेते हैं। सबसे पहले इसे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर 7 मेंशन किया गया है। तो अब स्ट्रैप को हम लगा लेते हैं दोनों में। सिर्फ आपको इसको यहाँ पे रख के हल्का सा अंदर की तरफ स्लाइड करना है। तो इन वॉच को हाथ में पकड़ के एंड देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये क्लोन है। दिखने में काफी हद तक ओरिजिनल वॉच की तरह ही लग रही हैं, एंड बिल्ड भी इनकी काफी अच्छी दी गई है, दिखने में काफी ये प्रीमियम लग रही हैं। तो सबसे पहले इनका फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो वॉच का डायल टोटली मेटल बिल्ड में आता है, जिसको काफी प्रीमियम फील देता है। राइट पार्ट में इसका क्राउन बटन, पावर बटन एंड माइक्रोफोन दिया गया है, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। लेफ्ट पार्ट में इसका स्पीकर दिया गया है ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए। पीछे के पार्ट में सिरेमिक कोटिंग दी गई है, यहाँ पे इसके सेंसर्स एंड चार्जिंग पिन दी गई है। सिलिकॉन स्ट्रैप इसमें यूज किया गया है, जिसकी क्वालिटी मुझे पर्सनली काफी पसंद आई, काफी सॉफ्ट ये स्ट्रैप है। तो अब हम इसको ऑन कर लेते हैं, इसकी ऐप के साथ सेटअप कर लेते हैं। तो ऐप का नाम है वियरफिट प्रोस को हम ओपन कर लेते हैं। ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर में आपको काफी आराम से मिल जाएगी। वॉच को कनेक्ट करने के लिए आपको डिवाइसेस पे जाना है, एड डिवाइस। तो यहाँ पे HW37 लिखा हुआ आ चुका है, इसमें हम क्लिक कर देते हैं, एंड ये सक्सेसफुली आपस में पेयर हो चुके हैं। डिस्प्ले की बात की जाए तो 1.77 इंच की TFT डिस्प्ले इसमें यूज की गई है, जिसका कलर रिप्रोडक्शन अच्छा है, आउटडोर विजिबिलिटी डिसेंट है। रेस्ट टू वेक का फीचर भी इसमें दिया गया था, जैसे ही अपने रेस्ट को अप करते हैं इसके डिस्प्ले ऑन हो जाती है। 200mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ स्मार्ट वॉच आती है, एंड इसमें आपको तकरीबन 2 दिन का यूसेज टाइम काफी आराम से मिल सकता है। IP67 की रेटिंग के साथ ही आती है, तो शावर रेन में आप इसे काफी आराम से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा, एंड कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट इसमें दिया गया है। तो वॉच फंक्शनैलिटी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो वॉच का टच काफी स्मूथ है, मुझे इसमें कोई भी परेशानी फील नहीं हुई, काफी अच्छे से वर्क करता है। UI भी इसका काफी स्मूथ है, काफी अच्छे से ये वर्क करता है। एंड इसमें 18 इनबिल्ट वॉच फेसेस दिए गए हैं, एनिमेटेड वॉच फेसेस में देखने के लिए हमें मिल जाते हैं, एंड ये दिखने में काफी कूल लगते हैं। आप देख सकते हैं टोटली सीरीज 7 के वॉच फेसेस हैं। ऊपर से नीचे स्वाइप करके इसका शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ब्लूटूथ कॉलिंग का, तो इसको ऑन करके आप अपने फोन से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड ब्लूटूथ कॉलिंग भी आप इसके जरिए कर सकते हैं। अभी हम टेस्ट करके आकर चेकआउट करेंगे। सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है, तो उसको ऑन करने के बाद ये हमेशा ऑन रहेगी। लेफ्ट से राइट स्वाइप करके इसके शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाता है, राइट से लेफ्ट स्वाइप करके इसके शॉर्टकट ऐप ओपन हो जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है हार्ट रेट का, स्टेप काउंटर हो गया, वेदर फोरकास्ट, ऐड कंपोनेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्राउन बटन को सिंगल प्रेस करके आप इसका मेन्यू ओपन कर सकते हैं। तो ये वाला मेन्यू स्टाइल मुझे काफी पसंद आया, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं डबल क्लिक करके। बबल स्टाइल में भी आप कर सकते हैं, जो एप्पल का सिग्नेचर आपका मेन्यू स्टाइल है। तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन जैसे फीचर्स इसमें दिए गए हैं, तो इनको हम चेकआउट कर लेते हैं। तो हाथ में बाद में इसको चेक करता हूँ, क्योंकि इसके सेंसर से मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है। सबसे पहले हार्ड सरफेस में रख के हम इसे चेकआउट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हार्ट रेट को। तो जैसा आप देख सकते हैं हार्ड सरफेस पे भी हार्ट रेट को चेकआउट कर रहा है। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि इसमें जो सेंसर्स दिए गए हैं वो टोटली फेक है। इस वॉच में काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग हो गया, फिटनेस के भी काफ़ी सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं, म्यूजिक कंट्रोल का इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो उसको हम चेकआउट कर लेते हैं। तो अपने फ़ोन के म्यूजिक को आप डायरेक्टली अपनी वॉच में ही प्ले कर सकते हैं, जैसे आप प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, एंड सॉन्ग्स आपकी वॉच में प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट भी आप कर सकते हैं एंड प्रीवियस भी कर सकते हैं, बट इसमें वॉल्यूम अप डाउन के लिए कोई फीचर नहीं दिया गया है। इसके अलावा ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट भी इसमें दिया गया है, तो एक कॉल करके हम ट्राई करते हैं 198। ऐप फंक्शनलिटी देखी जाए तो ऐप का इंटरफेस काफ़ी सिंपल सा दिया गया है। आप होम पेज में चेकआउट कर सकते हैं ब्लड प्रेशर, SPO2, हार्ट रेट वगैरह। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया एक्सरसाइज का, तो रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग सबको आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है डिवाइसेस का, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपकी वॉच कनेक्टेड है नहीं है, बैटरी लेवल आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा वॉच फेसेस का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वॉच फेसेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मोस्टली इसमें जितने भी वॉच फेस दिए गए हैं टोटली पेड हैं, $1 या $2 आपको पे करना होगा वॉच फेस के लिए। तो वॉच फेस को परचेस करना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इन बिल्ट इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वॉच फेसेस दिए गए हैं। कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, तो अपनी पिक को भी आप लगा सकते हैं अपनी वॉच पे। इंस्टॉलेशन, तो वॉच फेस इंस्टॉल हो चुका है एंड दिखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। तो अब इन द लास्ट बात है कि आपको स्मार्ट वॉच परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात इनकी अवेलेबिलिटी की आती है, इंडिया में अवेलेबल है या नहीं है इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है अभी, बट फिर भी अगर आप इन्हें इंटरनेशनली परचेज कर सकते हैं तो इनका परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ओवरऑल इनके प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे वॉचेस काफी पसंद आई। एप्पल वॉच सीरीज 7 के क्लोन है, हूबहू सेम दिखने में वैसे ही है। सीरीज 7 के ही काफी इंटरेस्टिंग वॉच फेसेस भी इसमें दिए गए हैं। तो अगर फिटनेस ट्रैकिंग के लिए स्मार्ट वॉच लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके सेंसर्स बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। तो अगर आपको एप्पल सीरीज 7 पसंद है बट आपका उतना बजट नहीं है, आप क्लोन की तरफ जाना चाहते हैं एंड आपको ऐसी स्मार्ट वॉच चाहिए जो लुक वाइज भी अच्छी हो, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वॉच फेसेस मिले, ब्लूटूथ कॉलिंग का इसमें सपोर्ट हो, तो डेफिनेटली आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। ऑल राइट गाइस, तो आज का वीडियो, तो आपको ये स्मार्ट वॉचेस कैसी लगी, क्या आप इन्हें परचेस करना पसंद करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मेरा नाम ऋतिक, मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।